When you are billing, you can select which company through which you are giving. Okay. Next thing I will show you inventory. इसमें आप items add कर सकते हैं. There are two ways to adding है. Add कर सकते हैं. नहीं तो Excel में import भी कर सकते हैं आप. मान लीजिए आप कुछ दाल add कर रहे हैं. का ऊपर 6.618% जीएसटी है. आप जीएसटी बिल देते हो नॉन जीएसटी देते हो? तो सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग आपको पड़ा है 100 रुपीज. आपको आई मीन यू आर सेलिंग फॉर 100 रुपीज, विच मीन्स 89 रुपीज बेस प्राइस है. उसका ऊपर 6%, 6%, 12% होके 100 आ जाएगा. एंड आपका लैंडिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 50 रुपीज को आप खरीदा है. यू डोंट वॉन्ट टू सेल लेस देन 70 रुपीज बेसिक प्राइस. ठीक है, इसे पीसेस कहिए, किलोग्राम कहिए, कैटेगरी आप डाल सकते हैं, कुछ भी कैटेगरी ऐसा है आपका पास. दाल सीरियल ऐसा कुछ है तो डालेंगे. फिलहाल एक नान बोल देता हूँ. हाँ, कैटेगरी आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते, क्रिएट कर सकते. बारकोड अगर उसका ऊपर आइटम का ऊपर बारकोड है तो रीयूज करेंगे सेम नंबर. उसको स्कैन जो बारकोड स्कैनर से यूज करना है यहाँ पर स्कैन कर सकते जो आइटम का पास रहता. अगर उस पे नहीं है, मान लीजिए आप बड़ा 100 केजी शुगर लेके आया और 1 केजी का पैकेट्स बना रहे हो, तब जनरेट कर सकते एक नंबर, यूनिक नंबर आ जाएगा. ठीक है, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट दे सकते हैं, उसका HSN कोड है तो HSN कोड, ब्रांड ये सब आपको जरूरत नहीं पड़ेगा. ओपनिंग बैलेंस अगर आपका पास स्टॉक है ऑलरेडी तो ओपनिंग स्टॉक लगा सकते हैं. वैसे ही आपका इन्वेंटरी खत्म हो रहा, सॉरी हाँ, इनिशियली जब ये आइटम आप डाल रहे हो ना तब कितना स्टॉक आपका स्टोर में है. ऐसा ही रीऑर्डर लेवल है. मान लीजिए 3 किलो से कम आपका पास स्टॉक आ गया तो आप फिर से सप्लायर को कांटेक्ट करना है, तो एक रीऑर्डर लेवल भी नंबर डाल सकते हैं. ठीक है, सब ठीक है राकेश? तो नीचे आप देख सकते हैं यूनिट प्राइस 89.29, नो डिस्काउंट, जीएसटी इंक्लूडेड एंड ऑफर प्राइस इज कमिंग येलो कलर में. ठीक है, नाउ आई एम एडिंग द प्रोडक्ट विद ओपनिंग स्टॉक ऑफ 10 दाल. ठीक है, आई विल क्लोज दिस विंडो. अच्छा, मैं बोलना भूल गया आपको. Tomorrow, you said you will opening more stores, right? तो आप क्या कर सकते हैं, दाल लेके लोकेशन रेट्स क्लिक करने से आपको कौन सा लोकेशन में कितना रेट देना है आ जाता है. तो मान लीजिए वारंगल में आप 90 रुपीज को बेचना चाह रहे हैं और होलसेल पीपल इन वारंगल आई वॉन्ट टू सेल फॉर 80 रुपीज. It's a location and partner. Partners you can create as many as you want. I want to give discount to relatives. I want to give different price for Swiggy and Zomato and regular people. So all that you can configure. Price का. अगर price इसमें नहीं दिया है तो default जो अपन डाल लेते हैं ना यहाँ पर यही price होगा. इसका images वो सब add भी कर सकते हैं सर. अभी में दाल अवेलेबल स्टॉक 10 है यहाँ पर,
है ना सर, पेंडिंग डिलीवरी जीरो है, सोल्ड जीरो है, ठीक है, ये निकाल देंगे अभी। उसके बाद परचेज एंट्री डालता हूं सर, जब आप खरीदते हैं ना सप्लायर के पास, तो मान लीजिए दाल सप्लायर कोई है, उनका डिटेल्स डाल लेता हूं पहले मैं। दाल सप्लायर परचेजेस जीरो, पेड जीरो, बैलेंस जीरो। दाल सप्लायर इनवॉइसेस, सपोज ने आपको एक इनवॉइस भेजा है आपको, तो वो इनवॉइस डाल देता हूँ। इनवॉइस में क्या आइटम्स भेजा है वो भी डाल देता हूँ। दाल 50 रुपीज का हिसाब से 100 केजीस दिया है। अपने पास ओपनिंग स्टॉक 10 है, प्लस वी आर एडिंग अनदर 100 केजीस, ठीक है। तो दिस इज परचेज एंट्री, नाउ आई विल सेव। तो परचेज एंट्री हो गया है, तो अभी देख सकते हैं आप, ये सप्लायर को 5600 देना है, जीरो अमाउंट दिया है, 5600 बैलेंस है। मान लीजिए आप पार्ट पेमेंट देते हैं, एक मिनट सर, तो मान लीजिए आप 600 रुपीज दिया है, यहाँ पर 600 आ गया है, तो आप ट्रैक कर सकते हैं 5600, 600 पेमेंट, 5000 बैलेंस है। राकेश, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अभी फिर से इन्वेंटरी में देखेंगे सर, दाल देखिए 10 अब ओपनिंग स्टॉक था, 100 परचेज एंट्री डाल लेते हैं, ठीक है। गोइंग टू सेल्स, सेल्स इनवॉइस का, तो कस्टमर डिटेल्स यहां पर फिल करना है। अगर आपके पास फोन नंबर ऑलरेडी है तो आप फोन नंबर डाल सकते हैं, ऑटोमेटिक डिटेल्स आ जाता, उनका कितना पेमेंट बाकी है वो सब भी दिख जाता। आपका पास बारकोड स्कैनर है तो इमीडिएटली स्कैन कर सकते हैं, यहाँ पर स्कैनर नहीं, यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अगर नहीं है तो यहाँ पर आके सेलेक्ट कर सकते हैं दाल, नहीं, क्वांटिटी है ना सर, हाँ एक ही रहेगा, जिसका सेम प्राइस, जिसका सेम आइटम रहेगा उसका सेम बारकोड नंबर, तो आपको पता चलता कितना क्वांटिटी है। सीरियल नंबर का भी है इसमें, मैं दिखाता हूँ आपको, यूज नहीं रहता, ठीक है। ये तो नॉन जीएसटी बिल हो गया 80.3, अब जीएसटी बिल होना बोल तो आप जीएसटी कंपनी सेलेक्ट करके रहना है। तो इसमें अभी फिर डालता हूं, ऐसा आ गया है 90 रुपीज। ये जीएसटी का बिल है, ऐसा डाल सकते सर, हर आइटम डाल सकते आप। होने के बाद पेमेंट, अगर मान लीजिए 290 रुपीज हुआ है, वो 90 रुपीज कैश दिया है, कार्ड में 100 रुपीज दिया है, स्वाइप करते हैं ना सर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, उसका अमाउंट यहां पर डाल के, सॉरी पेमेंट गेटवे चार्जेस है तो इसमें ऑटोमेटिकली ऐड कर लीजिए सर, नहीं तो अलग एक्सपेंसेस आता है, एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं आप। ठीक है, 90 रुपीज इधर है, कार्ड 100 रुपीज है,
ओके, तो बैलेंस यहां पर आप देख रहे हैं ना, बैलेंस ड्यू 100 रुपीज है, ठीक है। नाउ आई विल क्रिएट, क्रिएट एंड प्रिंट करने से ऑटोमेटिकली प्रिंट भी आ जाता है। अभी इनवॉइस जनरेट हो गया 182, एसएमएस पैक लिया तो एसएमएस भी चले जाता कस्टमर को। हाँ, एसएमएस पैक लेना पड़ता आपको, एनी एनी एनीथिंग, बहुत सारा है पर सब भी चीप है सर। ओके, तो हम लोग भी देते हैं सर 1 लाख एसएमएस, हम लोग 7500 को देते हैं। ओके, मैं जब बोलता हूँ ना, कोई इमीडिएटली बोलता है मैं तो 6000 में ही ले रहा हूँ, बोल के बोलता है, इसीलिए इट इज योर चॉइस 7500। बट देर इज वन मोर थिंग सर, उसमें डीएलटी रजिस्ट्रेशन करना है आपको, दैट विल कॉस्ट यू 5900। नहीं सर, 5900 है गवर्नमेंट में, प्राइम में करना है आपको, हाँ तो वो वही यूज कर सकते हैं। तो हम लोग पैक देते हैं 1 लाख एसएमएस 7500। ये हमारा है एसएमएस डील, एसएमएस ये आपका डीएलटी हो गया तो सेम सेंडर आईडी आता, अभी बिलिंग के लिए रेडी है सर, सेकंड बिलिंग के लिए। मैं एक क्लोज कर देता हूं, मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूं कैसा रहता। ऑफ कोर्स हर कस्टमर को बिल जनरेट करना है ना, तो ऐसा आपको आ जाएगा सर बिल। हर स्टोर मतलब हर कंपनी बोल रहे हैं ना, यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं आप कंपनी। ऑल मिक्स देखना है तो ऑल लगाएंगे, ठीक है। सर अगर रिफंड्स आ गया तो आप वो इनवॉइस सेलेक्ट करके, जो भी इनवॉइस है उसको सेलेक्ट करके, कौन सा आइटम रिफंड कर रहा है उसको सेलेक्ट करके आप रिफंड कर सकते हैं। तो इमीडिएट पेमेंट दे सकते हैं, नहीं तो बाद में एक प्रिंट आउट देके क्रेडिट नोट क्रिएट कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम आए तो रिडीम कर सकते हैं। मैं दिखाता हूं, अभी 183 एक क्रेडिट नोट जनरेट हो गया है, नेक्स्ट टाइम अगर वो आया तो उसका पूरा आइटम्स भर के क्रेडिट नोट रिडीम कर सकते हैं 183, वैसे 90 रुपीज आ गया, तो 90 रुपीज पेड ऑलरेडी, तो वो कैश जैसा यूज होता है। वो अगेंस्ट मनी मनी कैश जैसा है वो, कस्टमर्स को आप एसएमएस भेज सकते हैं लाइक प्रोमोस या ग्रीटिंग, वो सब भेज सकते हैं, नया आइटम आया तो एसएमएस भेज सकते हैं सिलेक्टेड कस्टमर्स। आपका जो भी एक्सपेंसेस है शॉप का, वेदर इट इज रेंट ट्रैवल फूड एक्सेट्रा, आप कैटेगराइज कर सकते हैं, यहाँ पर कैटेगराइज कर सकते हैं, कैटेगरी के हिसाब से आप एंट्री डाल सकते हैं सर, रेंट कितना हुआ सर।
तो इसमें क्या है ना एडवांटेज, अब डेली स्टेट्स में इतना परचेसेस किया यहां पर रहता है, राकेश कैन आई कंटिन्यू, तो हियर आई कैन सी हाउ मच परचेसेस आई हैव डन, हाउ मच एक्सपेंसेस आई हैव डन, व्हाट इज द सेल्स आई हैव डन, सो व्हाट इज द नेट प्रॉफिट आई एम गेटिंग, आई कैन चेक। यहां पर आई पुट ऑल, ओके, इफ यू वांट पर स्टोर यू कैन सी पर स्टोर, एवरीवेयर आप ऑल लगा सकते हैं या यू कैन सी सेलेक्टेड वन। देन अगर आपका स्टॉक खत्म हो जा रहा है, रीऑर्डर लेवल से कम हो जा रहा है, तो आप ऐसा सेलेक्ट किया तो नीचे कौन सा सप्लायर लास्ट सप्लायर है वो आ जाता है, एंड यू कैन रीऑर्डर, आई वांट टू रीऑर्डर 10 of 100 ऑफ देम, एंड यू कैन जनरेट ए परचेज ऑर्डर। So purchase order you can print, you can send by mail asking to replenish your stock. हाँ mail भी चले जाता, तो ऐसा PO generate हो जाता। Vendors वो सब हम लोग deal नहीं करते सर। Every location vendors changes, right? Where is your location? Okay. I don't have. We don't deal with that data. That is not our business. Okay, similarly barcodes generate कर सकते हैं, जिसको बारकोड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल दाल पैकेट अपन बनाया था ना, दाल पैकेट I want to print 2 copies, I can generate a barcode and print it. The barcode का content you can do all the designing here using all these columns. Okay, and whatever size you want you can print it. ठीक है, I don't think estimate will be useful for us, but if somebody will ask for an estimate, you can give estimate. Inventory action, yeah. Customer ledger, like for example, we sold something to Vivekananda. You remember, we sold something 290 and we also gave a refund also, 90 rupees. And his payments history is here. His invoice history is here. These are the items he has taken. These are the payments he has made. Balance यहाँ पर दिखता रहता है. Generate a detailed ledger. ऐसा रहता है. So and so day he took a invoice with this item, and on so and so date he gave me some cash, 1400 rupees. All the details will be there. At the end, you will see what is the closing balance. Reports, sir. I will show you end of the day report. This will show you how much sales you have done, how much cash in hand is there, how much card you got, how much you got it, how many you got rejected, how much due is there, all the details are available in this. And you can get a more detailed report. You can see what are the various category of items sold. Category of items sold, what are the items sold,
And did you sell it in wholesale or did you sell it to Dunzo? Did you sell it to Amazon, Flipkart, all those things? Sales channels, partner channels will also be there. Okay. Last 30-day report will be there. What is your performance in terms of selling? That is also there. If you have multiple counters, for every counter person, you can check how much cash he has brought. There is tax report where you can check your tax and you can directly send it to your auditor. There is sales index which actually shows what is the age of your products and what is the rate at which you are selling. This is called that index ratio. Fast moving items will come first, slow moving items will go down. So this is my fast moving item. Okay. And I can see what is the total unsold amount in terms of the asset, whatever I have, in terms of the items I purchased versus cost price. Okay. You can do a quick profit report on each of the items. What is the net margin I am getting on each item? There are so many reports. You can actually see on each what is the quantity sold. This is fine. Stock report will show what is the opening stock. What is the purchases sold available as on this date and the value of stock. Is there anything which you are looking for other than this? I will show you. ऐसा रहता है टोटल सेटअप. अगर वेइंग स्केल लगाया तो वेइंग स्केल को इंटीग्रेटेड रहता है हमारा सॉफ्टवेयर, विच मीन्स यहाँ पर वेट लगाया तो सॉफ्टवेयर में डिटेक्ट कर लेगा कितना वेट है. तो ये कैश ड्रॉयर है, थर्मल प्रिंटर है यहाँ पर, ये थर्मल प्रिंटर है. हाँ नहीं नहीं ये बिल प्रिंट कर, हाँ बारकोड प्रिंटर इधर है, ये बारकोड स्कैनर है, ये पोल डिस्प्ले है यहाँ पर, कस्टमर को दिखता है कौन सा आइटम बिल हो रहा है कितना प्राइस में. पीछे साइड रहता है एक साइड, ओनली वन साइड. आपको पूरा लेना है अगर, इट डिपेंड्स ऑन यू कैसा कस्टमर्स आता है आपको, उससे का हिसाब से रहता है. इफ यू आर प्लेस्ड इन ए प्लेस वेयर देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन, गो फॉर ऑल ऑफ देम. आपका अच्छा दिखता है स्टोर. अगर आप थोड़ा रिमोट में है तो आप यू कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन कैश ड्रायर, यू कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन पोल डिस्प्ले. आई थिंक वेइंग स्केल इज इंपॉर्टेंट, barcode printer is important, thermal receipt printer important, barcode scanner is important. Baki sab optional hai. A touchscreen 43,000 ko aata hai touchscreen. Aap PCB laga ke chala sakte hain.
हाँ यू कैन यूज इट। सर ये मैं आपको ये भेजता हूँ, उसमें पूरा प्राइसेस है यहाँ पर एवरी आइटम का प्राइस। तो इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं ना क्या क्या चाहिए आपको। आपको रिसिप्ट प्रिंटर चाहिए, बारकोड प्रिंटर चाहिए, वेइंग स्केल भी चाहिए ना आपको। हाँ वैसा 3000 में नॉर्मल वेइंग स्केल आ जाता है। इसमें क्या है ना केबल रहता है डिटेक्ट करने के लिए, तो आपको सेलेक्ट करना है वेदर यू आर गोइंग फॉर दिस और नॉट। वायरलेस स्कैनर एक है 3300, सॉफ्टवेयर 15000 लगेगा आपको। इसमें दो वर्जन है सर, एक लाइफ टाइम का, ये लैन वर्जन बोलते हैं, मतलब एक ही लोकेशन में यू कैन हैव मल्टीपल काउंटर्स, ये लैन या नेटवर्क मॉडल बोलते हैं इसको। ये तो 15000 लाइफ टाइम को आता है। अगर आपको मल्टीपल स्टोर्स है, ऑल स्टोर्स कनेक्ट टू क्लाउड, तो ये इयरली क्लाउड चार्जेस 15000 रहता है इसको। आपको ऊपर वाला दो मॉडल्स है, यहाँ पर लैन मॉडल है 15000 लाइफ टाइम, क्लाउड मॉडल है 15000 ईयरली। ये ईयरली 15000 में आपको अप टू 5 स्टोर्स लगा सकते हैं। Another 15000 for another 5 stores. समझा नहीं सर, पर 5 stores 15000 में आ रहा है ना सर क्लाउड में। हाँ, एक सर्वर लगेगा, वो उसी से यू कैन यूज इट एज सर्वर विद क्लाइंट। ठीक आप टच स्क्रीन के बदले में आप पीसी भी लगा सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन सर? नहीं सर, ये आपको करना पड़ेगा। हम लोग मैं वीडियो भेजते हैं, 5-10 मिनट में सेटअप कर सर। ऑनलाइन अभी एनी डेस्क या जूम में हम लोग ऑनलाइन करके देते हैं, वो भी 15-20 मिनट में हो जाता है। बॉम्बे तो में तो नहीं है सर हमारा, मतलब ऑनलाइन ही सभी लोगों को अक्रॉस इंडिया ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है, अगर 10 स्टोर का आप लगा रहे हैं तो अब थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा आपको। ट्रैवल ट्रैवल में हम लोग भेज सकते हैं कोई किसी को, तो ट्रैवल कॉस्ट आप लगाए तो। सर टिकट्स मिलना है, कोविड नहीं रहना है, ऑल दिस कंडीशंस आर प्रिवेलिंग राइट। सी आई डोंट वांट टू ओवर कमिट, इफ यू रियली हैव समबडी एल्स हु कैन गिव यू कमिटमेंट यू गो विद हिम, आई डोंट हैव एनी इश्यूज। व्हाटएवर आई कैन कमिट आई एम कमिटिंग। आपका लॉस हो तो होता बोले तो आई डोंट वांट यू टू गेट एंगेज विद अस, आई डोंट वांट यू गेट टू गेट लॉस। कोई भी लॉस हो रहा है तो देश के लिए वेस्ट है वो। यू डोंट वांट आई कैन हेल्प यू इफ समबडी एल्स कैन डू इट, आई कैन ऑल्सो हेल्प यू सेइंग दैट कोई से बात कर लो, डोंट गेट इनटू लॉसेस। हाँ
है सर, ओके, थैंक यू राकेश।